तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हम लोग लुलु मॉल से निकल लिए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जहां पर हम लोगों को जाना था, जिसके लिए हम लोग कानपुर से आए थे। तो हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और चलिए अंदर चलते हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग कहां पर आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एंट्री कर चुके हैं लखनऊ के होटल रमाडा में, जो 7 स्टार होटल है, वहाँ पर हम लोगों की एंट्री हो चुकी है। तो आप लोग देखिए कितना अच्छा फव्वारा चल रहा है, लाइट्स वगैरह देखिए, और इतना बड़ा है ये कि मतलब मैं हम लोग तो नाइट में पहुँचे थे, तो आप लोगों को पूरा नहीं दिखा सकते हैं। जहाँ पर हमको जाना था बस उतना ही एरिया आपको दिखाएंगे, बाकी ये बहुत बड़ा है। तो हम लोग उनकी एंट्री अंदर हो गई है और चलिए अंदर चलते हैं, आप लोगों को भी ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग रमाडा होटल में क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जो रमाडा होटल की ओनर हैं मैम स्वाति, उन्होंने एक टुगेदर रखा था, जो फार्मा इंडस्ट्री के लोग हैं उनके बीच में एक टुगेदर था, तो उन्होंने स्पेशली हम लोगों को इनवाइट करा था। तो हम लोग इसीलिए कानपुर से लखनऊ आए हैं, और टाइम था तो हम लोग लुलु मॉल भी चले गए। तो देखिए आप लोग, हम लोग गाड़ी से उतर लिए हैं और अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो मतलब इतना अच्छा स्टार्टिंग से ही वेलकम हुआ था, कि जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा वेलकम होगा। तो इतना अच्छा स्वाति मैम ने अरेंजमेंट किया था कि देखकर बहुत खुशी हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा दिल को, आप लोग खुद देखिएगा। तो यहाँ पर टाइमिंग जो मैम ने दी थी वो दी थी 7 की, और हम लोग लुलु मॉल से निकल लिए थे कि मतलब 7 की टाइमिंग थी, तो उस हिसाब से पहुंच जाए। तो शायद फर्स्ट गेस्ट हम ही लोग थे जो वहां पर पहुंचे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं इस होटल की ओनर मैम स्वाति मैम, इतनी मतलब ऑनेस्ट पर्सन है, इतनी मतलब इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो फ्रेंड्स, इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इनकी यहाँ अपने इंडिया में प्रॉपर्टी बहुत सारी है, और इसके अलावा इनकी अमेरिका में बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ये ज़्यादातर अमेरिका में ही रहती हैं, यहाँ पे ये कभी कभी आती हैं। तो अभी इन्होंने जो ये टुगेदर रखा था, इसके लिए ये स्पेशली वहाँ से आई थी। फ्रेंड्स, आप यहाँ की डेकोरेशन देखिएगा कि मतलब डेकोरेशन कितनी सुंदर थी, इतनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन थी कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मतलब सारा अरेंजमेंट क्या सुपर सुपर सुपर, मतलब 10 स्टार भी इसके लिए कम हो जाएंगे, इतना अच्छा अरेंजमेंट था मैम का। और इतना मतलब क्या ही बोले मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं के बारे में कितना बोलूं, इतना मतलब उन्होंने अरेंजमेंट किया था, इतना प्यार दिया था हम लोगों को कि मेरे पास उनके लिए कुछ शब्द नहीं है। बस उनको बहुत बड़ा वाला थैंक यू, दिल से धन्यवाद कि जो उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया अपने यहाँ, और ये मौका दिया जो मैं उनसे मिल पाई, तो उनके लिए बिग बिग थैंक्स। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स, जो म्यूजिक वाले थे वो लोग भी बहुत अच्छे थे, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए थे, मतलब ओल्ड सॉन्ग उन्होंने गाए थे, लेकिन क्या गाने गाए थे, मन खुश हो गया था। और आप खुद देख सकते हैं कि स्वाति मैम 1 मिनट भी नहीं बैठी है, कंटिन्यू खड़े ही रहेंगे, और जितने भी गेस्ट आए हैं उन्होंने सबका बहुत अच्छे से वेलकम किया था। देखिए गाने हो रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग आपस में कर रहे थे फन, बहुत मज़ा आ रहा था, हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, बहुत इंजॉय किया बहुत।
यहाँ पे स्वाति मैम ने कहा था कि फ़ोटो शूट करवा लो, तो वही हम लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। तो थोड़ी सी क्लिप आपको दिखा दे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए बाहर। तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो खाने में यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों तरीके का खाना था, क्योंकि दोनों मतलब कुछ लोग वेज पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉन वेज पसंद करते हैं, तो इसलिए मैम ने दोनों तरीके का खाना रखा था, वेज भी था और नॉन वेज भी था। लेकिन इतनी सारी डिशेज थी कि मतलब, और आपको मिठाइयाँ दिखाएंगे कि मतलब आप लोग खुद देख के हो जाओगे। कितनी सारी मिठाइयाँ थी कि गिनती मैंने तो गिनाई नहीं कि कितनी सारी मिठाइयाँ थी। ऐसी मतलब कोई आइटम नहीं था जो ना हो, बहुत सारी वैरायटी थी। तो मतलब हम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था क्या खाएं, इतना सब कुछ था। और खबा भी नहीं, बहुत मतलब लेट हो गया तो भूख भी नहीं थी ज़्यादा। ये देखिए आप लोगों को मिठाइयों की मैंने थोड़ा सा वीडियो ली है, दिखाती हूँ कि कितनी सारी मिठाइयाँ। और फ्रेंड्स पता, एक एक न्यू डिश थी। ये रेड वाली देख रहे हो, ये लग रहा था गाजर का हलवा, पर ये गाजर का हलवा नहीं था, ये टमाटर का हलवा था। और मतलब जो भी यहाँ पर डिशेज थी ये नॉर्मल नहीं थी, सारी डिशेज बिल्कुल अलग तरीके की थी और मतलब बिल्कुल न्यू डिश थी और बहुत अच्छा लगा। अब ये देखिए हम लोग खाने की तरफ आ गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पापड़ वगैरह हैं, यहाँ पर सैलेड वगैरह रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, मैं क्या बताऊँ, क्या मैं क्या ही आप लोगों से बोलूँ ऐसी। ये देखिए इधर खीर है, फ्रूट्स हैं। फ्रेंड्स देखिए हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और नाश्ता होने के बाद फिर हम लोगों ने बनाई रील्स वगैरह। उन्होंने रील्स के लिए भी यहाँ पे लगा रखा था जो घूमने वाला होता है वो, तो यहाँ पे फिर सभी लोग रील्स बनवा रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे रील्स बनवाई। हम लोगों ने रील्स वगैरह बनवा ली थी, उसके बाद हम लोग आ गए हैं खाना पीना खाने के लिए। तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अरे पनीर चिल्ली खाए, ये देख के ले ना, नॉन वेज है उधर, उधर नॉन वेज है। गए थे दोबारा से अंदर मैम से मिलने के लिए, क्योंकि अब हम लोगों को जाने का टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम लोग आए हैं मैम से मिलने। तो यहाँ पर मैं मैम से जो मिलने की क्लिप थी वो पूरी नहीं ले पाई थी, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था। मैम ने पिक वगैरह खिंचवाने लगी थी सबके साथ में, तो फिर कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था, इसलिए मैं नहीं ले पाई। जब भी मेरे पास वो पिक आ जाएंगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और अब हम लोग निकल लिए हैं बाहर घर के लिए। तो अभी तो हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएंगे बाहर का,
होटल का थोड़ा बहुत, तो चलिए आप लोगों को आगे थोड़ा बहुत जो भी है वो दिखाते हैं। फ्रेंड्स मैं होटल का कुछ वो पार्ट दिखा रही हूँ जो वहाँ पे मुझे कुछ यूनिक लगा। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मतलब बहुत पुरानी चीज़ें थी जो अब शायद नहीं अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीज़ें लगी हुई थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग देखिएगा, मतलब वहाँ की एक एक चीज़ बड़ी सुंदर लग रही थी, पर टच करने को मना था, तो सिर्फ दूरी से देख सकते थे, फ़ोटो वीडियो ले सकते थे। तो वही मैंने ली है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। मतलब ये टेबल है, चेयर है, सब कुछ एक मतलब बहुत ही पुराना था और बहुत ही अलग था, कोई भी अभी का नहीं था, बहुत पुराना टाइम का हर चीज़ थी, तो बड़ी यूनिक लग रही थी। तो मैंने कहा लाओ ये सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। यहाँ पे देखो कितने सारे हाथ थे, एक साथ कई सारे हाथ निकले थे। यहाँ लकड़ी की लैंटर्न रखी थी, और इधर देखिए कितना बड़ा चेस बोर्ड लगाया गया था, और इधर मिरर वगैरह हैं, प्लेट्स वगैरह, डिजाइनर में प्लेट्स लगी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं बाहर घर जाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा था 11:30 बज गया था। तो हम लोग बाहर आ गए हैं, और अभी गाड़ी मेरी जो यहाँ पे ड्राइवर भैया हैं वो लेने गए हैं, गाड़ी उन्होंने ही लगाई थी तो वही लेने गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे थे वेट, और देखिए अब मेरी गाड़ी आ गई है, तो चलिए बैठते हैं। कहाँ चल रहे भैया? हम लोग जा रहे हैं वापस घर, रमाडा होटल से निकल चुके हैं, खा चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं। कैसा? और आंटी अपने बालों को संभालती हुई जूड़ा बना रही है। कैसा लगा दीदी? बहुत 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 एंजॉय किया, बहुत मजा आई। लपक लेना, अच्छा लगा ना? भैया कैसा लगा आपको बताओ जरा। एक नंबर जहाँ पे वहाँ मजा नहीं है। एक नंबर बॉम्बे जहाँ है वहाँ मजा ना आया था, बेकार। सही बात, एक नंबर तो खैर लगा। जहाँ होंगे वहाँ अच्छा क्यों नहीं लगेगा, जो दिल से लाएंगे तो ये बात तो है लगी। हाँ बिल्कुल, 100% 1000% ये बात तो है, जो दिल से काम करो तो वो तो अच्छा। आज पुरुष साथ में है तो सर जी आराम से गाड़ी चलाना, कहते ही जोश मत आना। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं कानपुर में, और अपनी गली में एंट्री हो चुकी है हम लोगों की। तो मैं पीछे ही उतर गई थी जहाँ पे दीदी भैया उतरे थे, उनका घर था, तो वहीं मैं भी गाड़ी से उतर गई थी। मैंने कहा मैं भी यहीं उतर जाती हूँ, कितना है पैदल चलूंगी। और देखिए हम लोग घर पे आ गए, और यहाँ पर ये लगा रहे हैं गाड़ी, तो आप देखिए ये और बेटा भी उतर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों की आवाज सुन रहे हैं, लोग वो गाड़ी की आवाज पहचानता है, चाहे मेरी बाइक हो चाहे स्कूटी की आवाज पहचानता है।
तो जैसे ही हम लोग आते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देता है, और वो चिल्ला रहा था जैसे ही हम गेट खोला तो बहुत गुस्सा दिखा रहा था, और स्पेशली मुझ पे बहुत गुस्सा दिखा रहा था कि आप रोज रोज कहाँ चली जाती हो। तो बहुत बहुत गुस्सा हुआ, ये देखिए आप लोग मेरे ऊपर मतलब प्यार करने के लिए आ रहा है और हम गुस्सा भी दिखा रहा है कि कहाँ जाती हो आप रोज रोज मुझे छोड़ के। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आ गई हूँ वापस घूमकर, और अभी तो रात के 12:30 बजे हम लोग घर आए हैं, और घर आए तो घर पे मुझे मिल गए बहुत सारे कूरियर, तो आपको दिखाती हूँ। तो ये सारे कूरियर मेरे आ गए थे मेरे पीछे, बड़ा बेटा नहीं गया था तो उसी ने सारे लिए हैं, और ओपन करूंगी बाद में फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या इसमें आया है, और यहीं पे मैं ब्लॉग का करूंगी एंड। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट और शेयर करिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।